हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभ देव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है ए 583 ईसा पूर्व, बी 563 ईसा पूर्व, सी 480 ईसा पूर्व, डी 540 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे कपिल वस्तु। कहाँ पे दोस्तों? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अगला प्रश्न आते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं ए सुद्योधन, बी वर्धमान, सी राहुल, डी सिद्धार्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धार्थ। अगला प्रश्न। अगला है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं ए सुद्योधन, बी वर्धमान, सी राहुल, डी सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था ऑप्शन ए सुद्योधन। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखते हैं, अगर बात किया जाए कि माताजी का क्या नाम था, अगर बात किया जाए कि माताजी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे माताजी का नाम था माया देवी। क्या था दोस्तों? माया देवी। इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों, जैसे ही बुद्ध भगवान के जन्म देते हैं तो सात दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन जो करने का जो जिम्मा जाता है वो जाता है महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी होती हैं, यही इनका लालन पालन करते हैं। और भी कुछ जान लेते हैं पॉइंट। जैसे अगर बात किया जाए कि इनकी शादी भी हो जाती है दोस्तों, तो पत्नी का नाम अगर पूछेगा तो बोली याद रखिएगा यशोधरा, यशोधरा। और देख लेते हैं कुछ। अगर बात किया जाए कि पुत्र का नाम, तो पुत्र का नाम याद रखिएगा राहुल, पुत्र का नाम राहुल। चलिए क्लियर है। तो आपने देख लिया कि इनके पिताजी का नाम, इनके माताजी का नाम, इनके जब माताजी की मृत्यु होती है तो लालन पालन कौन किए, और उनकी पत्नी का नाम और पुत्र का नाम, इतना चीज़ देख लिए। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे? ऑप्शन है ए 30 वर्ष, बी 45 वर्ष, सी 29 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 29 वर्ष। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि गौतम बुद्ध जब वो घर को त्यागे थे तो उसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है जब ये निकले थे घर? तो याद रखिएगा वो कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है जब वो घर को त्यागे थे तब, बौद्ध ग्रंथ में। अगला प्रश्न। अगला है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं ए रुद्रक रामपुत्र, बी अलारकलाम, सी सुद्योधन और डी नंदीवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलारकलाम। इससे और भी रिलेटेड प्रश्न हम लोग देख लेते हैं अगली स्लाइड में। जैसे पूछेगा कि अलारकलाम कहाँ के थे, तो वो जो थे दोस्तों वो थे वैशाली के। कहाँ के? वैशाली के। इतना क्लियर हो गया। और आगे कुछ दे देते हैं। पूछेगा कि जो अलारकलाम थे किस दर्शन का ज्ञान दिया था, तो याद रखिएगा ये जो दिए थे
ये दिए थे सांख्य दर्शन का। इनका दिया तो सांख्य दर्शन का। इनके बाद एक गुरु और मिले, यानी कि वो सेकेंड गुरु हुए, जिनका नाम था रुद्रक राम पुत्र। क्या नाम था? रुद्रक राम पुत्र। ये जो शिक्षा देते हैं दोस्तों, ये पहले तो ये जान लेते हैं कि ये थे कहाँ के। तो ये रुद्रक राम पुत्र राजगिरी के थे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं राजगिर, यहीं के थे। और इसने जो शिक्षा दिया था, ये दिए थे योग का ज्ञान। किसका दोस्तों? योग का ज्ञान ये दिए थे। हो गया, अगला प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? ऑप्शन देखते हैं, ए राजगीर, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी बोधगया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बोधगया। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पूछेगा कि बोधगया में किस नदी के किनारे, बात तो पहला यही होगा किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा निरंजना। कौन सी नदी है दोस्तों? निरंजना, जिसे एट अ परसेंट में अभी हम लोग जानते हैं फल्गु। कौन सी नदी? फल्गु। अगर बात किया जाए किस वृक्ष के नीचे, किस पेड़ के नीचे ये बैठ के ज्ञान की प्राप्ति लिए हैं, तो याद रखिएगा पीपल। कौन सा दोस्तों? पीपल। अगर बात करेगा किस दिन, तो याद रखिएगा वैसाख पूर्णिमा। पूर्णिमा, क्लियर है। इसने टोटल 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किए थे। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। 29 वर्ष की अवस्था में निकले थे घर से, 6 वर्ष तक तपस्या किए, तो ये 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति इन्हें मिला। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है ए सारनाथ, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी बोधगया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जो प्रथम उपदेश जो दिए सारनाथ में, वो जो धर्म जो पहला उपदेश दिए, उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है धर्म चक्र प्रवर्तन, बी है महाभिनिष्क्रमण, सी महापरिनिर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश का प्रचार किस भाषा में किया? ऑप्शन है ए प्रकृत भाषा, बी पाली भाषा, सी ब्राह्मणी भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए सारनाथ, बी श्रावस्ती, सी वैशाली, डी नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? मतलब कौन कौन बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं? ऑप्शन ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यही हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। मैंने जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में मैं आप लोग को बताया था, आप लोग को वो कमेंट में बताना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो याद रखिएगा उनकी जो मृत्यु हुई है, पहले तो ऑप्शन देखते हैं, ए 450 ईसा पूर्व, बी 540 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व, डी 350 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोग आंसर दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई?
ऑप्शन देखते हैं, ए नेपाल, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी कुशीनारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनारा, ऑप्शन डी कुशीनारा। अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजगिरी, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी कुशीनगर। तो पहला जो आपका सभा चला था बौद्ध धर्म में, वो चला था कहाँ, राजगीर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड और भी, प्रथम सभा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, इसका जो जो मेन पॉइंट बनता है। पहला तो हुआ कि दोस्तों कहाँ हुआ, ये हम लोग देखें। तो आपने बताया राजगृह, ठीक है। फिर कहा जाता है कि कब हुआ, एक क्वेश्चन और बना, कब हुआ। तो याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व, क्लियर है। पूछेगा इस किसके शासन में, उस समय शासन किसका था, किसके शासन काल में। तो याद रखेंगे जो पहला हुआ था वो हुआ था आजाद, आजाद शत्रु। अगर बात किया जाए किसकी अध्यक्षता में, किनकी उस समय अध्यक्षता थी, तो याद रखेंगे महाकश्यप। क्या याद रखेंगे, महाकश्यप। तो याद रखेंगे दोस्तों कि पहली बौद्ध सभा राजगीर में हुई 483 ईसा पूर्व में, उस समय शासन काल था अजातशत्रु का और अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप, क्लियर है। इसका ट्रिक मैं बता दूंगा अगले स्लाइड लास्ट आते आते, मैं इसका ट्रिक बता दूंगा याद रहने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है द्वितीय बौद्ध सभा किनकी अध्यक्षता में हुआ। ऑप्शन है ए महाकश्यप, बी सवाकामी, सी वसुमित्र, डी अश्वघोष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सवाकामी। इससे भी रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर बात किया जाए कि दूसरी जो बौद्ध सभा हुई थी दोस्तों कहाँ हुई थी, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनेगा कब हुई थी, और एक क्वेश्चन किसके शासन काल में हुआ था, क्वेश्चन ये बनेगा, क्लियर है। तो याद रखते हैं, पूछेगा कहाँ हुआ था दूसरा, तो दूसरा याद रखेंगे हम लोग वैशाली, दूसरा कहाँ याद रखेंगे वैशाली। पूछेगा कब हुआ था, तो याद रखेंगे 383 ईसा पूर्व, कब हुआ था 383 ईसा पूर्व। किसके शासन काल में हुआ था, तो याद रखेंगे कालाशोक, किसके समय में, कालाशोक के समय में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे द्वितीय बौद्ध सभा से। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा कि तृतीय बौद्ध सभा कब हुआ था। तो याद रखते हैं ए 483 ईसा पूर्व, बी 383 ईसा पूर्व, सी 250 ईसा पूर्व और डी 98 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 250 ईसा पूर्व। इससे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। पहला तो हो गया दोस्तों कि कब हुआ था, सेकंड क्वेश्चन बोलेगा कि जो तृतीय चला हुआ वो कहाँ हुआ, किसके शासन के समय हुआ, उसमें शासन काल किसका था। अगर बात किया जाए कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इतना सारा क्वेश्चन बनता है, मैं सबको देख लेता हूँ। अगर पूछेगा कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र, कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र। किसके शासन काल में हुआ था, ये देख लेते हैं। तो शासन काल पूछेगा तो हम लोग याद करेंगे अशोक, किसके शासन काल में, अशोक के शासन काल में। अध्यक्षता की बात करेगा तो मैं हम लोग याद करेंगे मोगली पुत्र तिस्य, ये थे उनके अध्यक्षता, ये हो गया। अगला प्रश्न आते हैं, चतुर्थ बौद्ध सभा किसके शासन काल में हुआ, याद कर देख लेते हैं। ऑप्शन ए अजात शत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक और डी कनिष्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क। इससे भी रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं देख लेता हूँ। पहला तो हुआ शासनकाल, मैंने देख लिया कि अच्छा कनिष्क के समय में हुआ, तो क्वेश्चन तो यही पहला बनेगा कि अच्छा बताओ तो कहाँ हुआ।
कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ, इतना सारा क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा इससे। तो अगर बात किया जाए कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे कुंडलवन, जो कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। क्लियर है? आगे चलते हैं, कब हुआ, तो याद रखेंगे 98 ईस्वी, 98 ईस्वी। और अध्यक्षता किसका था, तो याद रखेंगे वसुमित्र, और एक और थे जिनका नाम था अश्व घोष। जो वसुमित्र थे वो आपका अध्यक्ष थे, और अश्व घोष थे जो उपाध्यक्ष थे। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांट दिया गया था। तो ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7 और डी 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या था, जब वो जन्म लिए थे उस समय उनका प्रतीक क्या था। ऑप्शन ए कमल, बी घोड़ा, सी पीपल, डी चक्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन ए कमल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिक, जो हम लोग बौद्ध सभाएं पढ़े इसको याद रखने का ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो उसका ट्रिक देखते हैं। अगर हमें बात किया जाए कि स्थान का कहाँ पे हुआ, हम लोग जा रहे हैं याद करने स्थान, और एक हम लोग याद करेंगे शासन, किसका शासन उस समय था, यानी कि हम लोग याद करेंगे शासक के बारे में। क्लियर है? अगर हम लोग स्थान की बात करते हैं तो याद रखेंगे दोस्तों ट्रिक है राब पाक। क्लियर? अगर शासक का नाम याद रखेंगे तो याद रखेंगे अका अक। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने पहला बताया था रा से राजगीर, रा से राजगीर, व से दूसरा वैशाली, तो पहला राजगीर दूसरा वैशाली, तीसरा पा से पाटलिपुत्र, और चौथा हो जाएगा कहाँ, कुंडल वन। तो देखिए स्थानों याद हो गया कि पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन। उसी प्रकार शासक के नाम याद करेंगे। पहला आप याद किए कि अच्छा पहला हुआ था अजात शत्रु, सेकंड जो हुआ वो काला शोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। क्या याद रहेगा? ईस्वी की बात करें तो एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, पहला हुआ वो हुआ 483 ईसा पूर्व। क्लियर? ईसा पूर्व। दूसरा बात करें तो 383 ईसा पूर्व, और तीसरा बात करें तो 250 ईसा पूर्व, और चौथा अगर बात करें तो 98 ईस्वी। क्लियर है? ये था आपका बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए वीडियो यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पहली बार जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो धन्यवाद।